गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस को समझेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एक सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट दिया गया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में, उसको भी पढ़ेंगे। क्या है स्टेटमेंट? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी सभी अनुबंध ठहराव होते हैं परंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, इसको समझेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो परीक्षा में पूछा जाता है 20 नंबर के क्वेश्चन के तौर पर, तो आप इसको ध्यान से समझें। और इसको देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में 100% ट्रू है कि सभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होते हैं बट सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें जो होल स्टेटमेंट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखिए, इसमें ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये फर्स्ट उसका पार्ट्स हो गया। और दूसरा जो पार्ट्स है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो इन दोनों को अलग अलग करके हम समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट में हमने लिख रखा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, उनके बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है। और ये जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ये सेक्शन 10 में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके पहले हमें क्या होना, हमारे पास होना जरूरी है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में यदि हम असेंशियल एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, मैं आपको एक देखिए एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। वैसे लास्ट लास्ट में मैंने बताया था एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट्स एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट्स इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीमेंट होना जरूरी है और एग्रीमेंट में असेंशियल एलिमेंट को ऐड करना जरूरी है। असेंशियल एलिमेंट्स या फिर इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो जाए, या जो लीगल रेमेडीज है वो ऐड हो जाए, या जो इंटेंशन टू एस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप है उसको हम ऐड कर दें एग्रीमेंट में, तो फिर वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे एग्रीमेंट जिसमें असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स क्या है? इसमें आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एटलीस्ट टू पार्टीज, यानी एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम दो पार्टीज होना जरूरी है। देन पार्टीज कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंसी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और टू क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट उसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मीन्स क्या है? एग्रीमेंट होना जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करने के लिए, एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि उनका जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नेक्स्ट उसमें जैसे फ्री कंसेंट होना चाहिए और कंसेंसस भी होना चाहिए, यानी प्रॉपर कंसेंट, बोथ पार्टीज एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है। और फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है कि जो भी हमारी कंसेंट होगी वो कोअर्सन यानी उत्पीड़न, अंडी इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव, फ्रॉड कपट मिस रिप्रेजेंटेशन मिथ्या वर्णन और मिस्टेक मीन्स गलती, इन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यदि इन 5 पॉइंट्स पर आधारित हमारी कंसेंट है तो उसको हम प्री कंसेंट नहीं कहेंगे। इसके बाद जो मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट का वो सर्टेन होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें कोई भी वेग या कंफ्यूजन की संभावना नहीं होनी चाहिए। जो भी हम प्रॉमिस करें कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रॉमिस क्या है? उसको पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी हम उसको पूरा कर सकें, ठीक है ना, इस प्रकार का प्रॉमिस होना चाहिए। इसके साथ ही जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसका भी ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में यदि उसको रिटर्न में फ्रेम करना जरूरी है, बनाना जरूरी है तो रिटर्न में होना चाहिए। यदि उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो रजिस्ट्रेशन भी कराया जाना जरूरी है। इसके साथ ही एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड,
तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एग्रीमेंट करेंगे वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। अब एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड कैटेगरी में क्या है कि किसी को आप मैरिज करने से रोकते हैं या ट्रेड करने से रोकते हैं या लीगल प्रोसीडिंग करने से आप उसको रोकते हैं, तो इस प्रकार के जो एग्रीमेंट है वो क्या होते हैं वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, और एक्सप्रेसली इनको डिफाइन किया गया स्पष्ट रूप से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि जो इनका जो प्रभाव है वो क्या है, एक तरीके से शून्य प्रभाव होता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, तो इसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सभी एग्रीमेंट जिसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइन किए गए हैं, यदि वो एग्रीमेंट के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और इस प्रकार के सभी एग्रीमेंट जिसमें असेंशियल एलिमेंट ऐड हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आपको इसमें क्या करना है, जो एग्रीमेंट एग्रीमेंट में जो असेंशियल एलिमेंट है वो ऐड करने हैं, और असेंशियल एलिमेंट्स आप, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, देखिए एग्रीमेंट प्लस असेंशियल एलिमेंट्स, इनको आप ऐड कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ये कहां पर डिफाइन किए गए हैं, असेंशियल एलिमेंट को सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट हैं जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, राइट। तो देखिए सबसे पहले ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यानी सभी ठहराव या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे ठहराव है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। फर्स्ट है सर्टेन डोमेस्टिक और फैमिली एग्रीमेंट्स। डोमेस्टिक और फैमिली एग्रीमेंट्स का क्या मतलब है कि जैसे आपके फादर ने आपसे प्रॉमिस किया कि यदि आप एग्जाम में 90% से अबव स्कोर करेंगे तो वो आपको बाइक या स्कूटर लाके देंगे, बट आपने 95% स्कोर किए और आपके फादर ने आपको स्कूटर या बाइक दिलाने से मना कर दिया, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं उनके अगेंस्ट, क्या आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, क्या आप उनको सू कर सकते हैं, क्या आपके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है? आंसर इज नो। ओके, तो इस प्रकार के जो डोमेस्टिक और जो फैमिली जो एग्रीमेंट होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। रीजन क्या है कि जो डोमेस्टिक और जो फैमिली एग्रीमेंट है उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं होता है। इसमें एक पॉपुलर केस है मिस्टर बालफोर एंड मिसेस बालफोर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और दोनों क्या है लंदन घूमने के लिए जाते हैं, और वहां पर क्या है कुछ समय के लिए जो वाइफ है वो लंदन में ही ठहरना पसंद करती है कि, और जो उनके हस्बैंड है मिस्टर बालफोर वो वापस अपने देश लौट आते हैं, और उन जो उनकी वाइफ है उनसे वादा करते हैं कि वो कुछ समय के लिए उनको लंदन में पैसे भेजते रहेंगे मेंटेनेंस के लिए। ठीक है ना, वो लंदन में उनकी वाइफ रह रही है इसलिए, परंतु एक समय के बाद में दोनों में क्या है जो वैचारिक मतभेद जो आ जाते हैं, उसकी वजह से जो मिस्टर बालफोर है उस महिला के जो हस्बैंड है वो उसको पैसे भेजना बंद कर देते हैं। महिला कोर्ट में जाती है रेमेडी के लिए, बट कोर्ट ये कहता है कि ये एक प्रकार से फैमिली एग्रीमेंट है और इसमें लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना पार्टीज का इंटेंशन नहीं था, तो आपको कोई भी रेमेडी है वो लोग की तरफ से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉपुलर केस है। इसके साथ यदि आप किसी को जैसे एक हस्बैंड है अपनी वाइफ से एक तरीके से वादा करता है प्रॉमिस करता है कि यदि वो पूरे दिन साइलेंट रहेगी उस भी नहीं बोलेगी आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है ना, और तो उसको वो शाम को जो नेकलेस जो है डायमंड का नेकलेस वो ला के देंगे। वाइफ ने वैसा ही किया जैसा कि हस्बैंड ने उसको बताया था, बट जब भी शाम हुई
वाइफ ने उसकी डिमांड की डायमंड नेकलेस की, कि वो आप डायमंड नेकलेस का वादा किया था कि मैं यदि पूरे दिन चुप रहूंगी तो आप मुझे ला के देंगे। मैं पूरे दिन चुप रही तो आप क्या वो लेके आए। हस्बैंड ने मना कर दिया कि कोई भी डायमंड नेकलेस नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या वो वाइफ है वो कोर्ट में जा सकती है, हस्बैंड के अगेंस्ट सू कर सकती है? तो आंसर इज नो। ओके, क्योंकि एक तरीके से ये डोमेस्टिक और फैमिली एग्रीमेंट है। फैमिली या डोमेस्टिक एग्रीमेंट का इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं है, और जहाँ पर लीगल रिलेशन नहीं होती वहाँ पर किसी भी प्रकार की लीगल रेमेडीज है वो अवेलेबल नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता? सर्टेन फ्रेंडली और सोशल एग्रीमेंट्स। ये एक तरीके से जो फ्रेंडली है ना, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं, सोसाइटी में आप अपने रिलेटिव्स के साथ करते हैं एग्रीमेंट्स, तो उसमें भी यदि आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं है तो उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपने फ्रेंड से कहा कि आप उनके साथ हैं, वो शाम को इवनिंग वॉक पर जाएंगे, ठीक है, तो आप नहीं गए तो क्या आप पर आपका फ्रेंड है वो केस फाइल कर सकता है? फ्रेंड ने प्रॉमिस किया है, फ्रेंड जो है इवनिंग वॉक पर नहीं गए तो क्या आप उन पर सू फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं? तो इसके लिए आंसर है नो, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं है। इसके साथ ही जो आपने अपने रिलेटिव्स के साथ एक प्रॉमिस किया कि आप सभी लोग साथ में जो है एक तरीके से जो तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो वहाँ पर यदि नहीं गए तो क्या आप वो आप पे केस फाइल कर सकते हैं, क्या आप उन पे केस फाइल कर सकते हैं? तो इसमें भी इसका भी आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर भी लीगल रिलेशन स्टेब्लिश करने का इंटेंशन उनका नहीं था। तो ये देखना जरूरी क्या है एग्रीमेंट में, यदि पार्टीज का लीगल रिलेशन स्टेब्लिश करने का इंटेंशन है वो करना चाहती है तभी क्या है हम उनको यदि वो उस तरीके अपने प्रॉमिस को ब्रीच करती है तो हम उनको कोर्ट में जो सू कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट और लीगल रेमेडीज की डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्रीमेंट और प्रॉमिसेस। देखिए जो पॉलिटिकल लीडर है वो इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारे प्रॉमिस और जो वादे हैं अपने जनता से करते हैं, और इसके बाद किस हद तक उनको पूरा कर पाते हैं ये हम सब जानते हैं। तो एक वादा किया किसी पॉलिटिकल लीडर ने कि हम ये करेंगे वो करेंगे और सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने वो नहीं किया, तो क्या हम उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, क्या उनको सू कर सकते हैं, उन पर अभियोग चला सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं? तो इसके लिए भी आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉलिटिकल लीडर है उनका जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश करना नहीं था। नेक्स्ट है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विदाउट लीगल बाइंडिंग। यदि दो पार्टीज आपस में कोई भी एग्रीमेंट करती है और उसमें डिसाइड करती है कि एक दूसरा यदि कोई भी पार्टी है, दो पार्टियों में से कोई भी पार्टी यदि अपने प्रॉमिस को ब्रीच करती है तो जो भी कंसर्न पार्टी होगी, जो भी एक तरीके से रिसिप्रोकल पार्टी होगी, तो वो सामने वाली पार्टी वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं करेगी, ना कोई भी लीगल रेमेडीज की डिमांड करेगी। ये दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया है, तो उस केस में क्या है कि वहाँ पर लीगल रेमेडीज उनको नहीं मिलेगी, बिकॉज दोनों ने ये डिसाइड किया है कि वो लीगल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट है एग्रीमेंट नॉट पजेसिंग ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट है उसमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल एलिमेंट्स नहीं हैं। मैंने असेंशियल एलिमेंट्स के बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि एटलीस्ट टू पार्टीज देन एग्रीमेंट होना चाहिए, देन उसमें जो इंटेंशन टू एस्टेब्लिश लीगल रिलेशनशिप, फिर उसमें कंसेंसस यानी प्रॉपर कंसेंट होने चाहिए बोथ पार्टीज और द पार्टीज
मस्ट बी एग्रीड ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस, ओके। एंड उसके बाद जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, उसके बाद जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, योग्य होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे साउंड माइंड है, और जो मेजर होना चाहिए वेस्ट होना चाहिए, और जो पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई एनी लॉ ऑफ द लैंड, यानी किसी भी कानून के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उस पर्सन को डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं किया गया हो। इसके साथ ही जो मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट का वो सर्टेन होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में किए गए प्रॉमिस हैं उसको हम परफॉर्म कर सकें, पॉसिबल टू परफॉर्म होने चाहिए। इसके साथ ही जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं किया हुआ होना चाहिए, और उसमें यदि लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करना अनिवार्य है तो उनको करना ज़रूरी है और किया जाएगा, तभी क्या है एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। यदि ये सब एलिमेंट्स एग्रीमेंट में नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा, उसमें लीगल बाइंडिंग नहीं आएगी और उसको कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं बना सकते, ओके। नेक्स्ट है एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी ऐसे एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए जिनको हम एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक्सप्रेसली वॉइड का मतलब क्या है कि जिनको हमने स्पष्ट रूप से जो व्यर्थ घोषित कर रखा है, ऐसे ठहराव नहीं होने चाहिए, एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। उसमें कौन कौन से हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पर्सन को आप मैरिज के लिए रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते, यदि ऐसा कोई आप एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या है वॉइड, ठीक है ना, वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, ठीक। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति है आप उसको लॉफुल ट्रेड करने के लिए रोक नहीं सकते, यदि आप ऐसा करते हैं तो वो भी क्या है एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट है। एक जैसे किसी कोई भी एग्रीड पार्टी है, आप उसको कोर्ट में जो लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो करने से रोकते हैं तो वो भी एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट है। तो जो भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किए गए इनको हम सेपरेट हेडिंग में पढ़ेंगे डिटेल से। जो भी असेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे एग्रीमेंट है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, या कंसिडरेशन है, देखिए कंसिडरेशन ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो भी एक एग्रीमेंट है और उसमें असेंशियल एलिमेंट्स है उसमें लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है, ठीक है ना। और ये सभी एलिमेंट्स यदि हम ऐड कर देते हैं तो फिर वो क्या है जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ध्यान रखना है कि जो भी एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया हुआ नहीं होना चाहिए। वॉइड डिक्लेरेशन का, वॉइड डिक्लेयर्ड का मतलब क्या है ये मैंने आपको बता दिया, किसी को शादी से रोकने का ठहराव या किसी को लॉफुल व्यापार से व्यापार करने से रोकने का ठहराव या किसी को कानूनी कार्रवाई करने से रोकने का जो ठहराव है वो सभी क्या होते हैं वॉइड एग्रीमेंट है, और इनको एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किया गया है इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ओके। नेक्स्ट है एग्रीमेंट टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। देखिए दो पार्टीज है और उन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि वो फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आज जो एग्रीमेंट किया है अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बट दे विल फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट इन नियर फ्यूचर, तो उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया है तो उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा फ्यूचर में होगा। एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक पार्टी ने कहा, सिर्फ ओरली कहा कि मैं तुम्हें अपना जो प्लॉट है वो सेल करूंगा, लेकिन जो हम इसका एक तरीके से फॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है उसको हम वैलिड ट्रांजेक्शन या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी को यदि आप सेल करते हैं तो वो रिटर्न में होना जरूरी है एग्रीमेंट, वो उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है तहसीलदार या जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है वहाँ पर। तो इस प्रकार से सभी एग्रीमेंट जो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किए गए हैं तो उन एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार ये दो स्टेटमेंट के हम आधार पर जो हमने डिवाइड किए थे स्टेटमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, और सेकंड था ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट आर इज ट्रू, ओके।
सो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट है और इसको आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और ये जब प्रश्न आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए तो एक तरीके से दो जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम में एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही जो दूसरी प्रकार से जो प्रश्न पूछा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, फर्स्ट जो पार्ट है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, इसमें जो सेक्शन 10 में असेंशियल एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको आपको डिफाइन करना है, और जो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इसमें आपको ये जो 7 पॉइंट्स दिए हैं वो डिफाइन करना है। इसके बाद आप अपने जो है आंसर को लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।